बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ज्यादातर घरों में नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी के दिन हवन होता है और इसी के साथ नवरात्रि की पूर्णाहुति हो जाती है, नवरात्रि संपूर्ण हो जाती है। तो नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन किया जाता है। देखिए, आप कोई भी अनुष्ठान करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे, तो पूजा या अनुष्ठान के अंत में हवन किया जाता है और हवन के साथ ही जो पूजा है, जो अनुष्ठान है, वो संपन्न हो जाता है। नवमी के दिन पहले आपको पूजा करनी है और बेहतर होगा कि नवमी के दिन दोपहर में भगवान राम की पूजा करें। आप चाहें तो दोपहर में माता की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि नवमी के दिन दोपहर में भगवान राम की पूजा करें और रात में माता सिद्धिदात्री की पूजा करें, इसके बाद हवन करें। हवन सामग्री बाजार से ले आएं, इसमें बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएं, थोड़ा सा घी भी मिलाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें। अगर आपके यहां नवमी को कन्या पूजन होता है तो आप नवमी को करें, अगर अष्टमी को होता है तो आप अष्टमी को कर चुके होंगे। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें और दान करने के बाद आपकी पूजा समाप्त होगी। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ करके भगवान राम की पूजा दोपहर में करनी है, देवी की भी कर लें तो अच्छा है। इसके बाद आप हवन करें विधिवत, पति पत्नी परिवार के लोग एक साथ बैठ करके। इसके बाद कन्या पूजन करें, उसे प्रेम से भोजन कराएं, भोजन का दान करें और तब जाकर के आपका जो नवरात्रि है वो संपूर्ण होगा, नवरात्रि का संपूर्ण शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। देखिए, सामान्यतः जैसा मैंने बताया कि सामान्य कामनाओं के लिए आप हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ मिला लें, बराबर मात्रा में काला तिल मिला लें, घी मिला लें और सामान्य चीज से, इसी सामान्य हवन सामग्री से आम की लकड़ी पर हवन करना अच्छा होगा। लेकिन आप अलग अलग चीजों के लाभ के लिए अलग अलग चीजों से आहुति दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपको धन का फायदा हो, आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो, तो मखाने और खीर से अगर आप हवन करें तो बहुत शुभ होगा। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कर्जा आपको बहुत दिक्कतें दे रहा है, कर्जा नहीं उतर पा रहा है, तो काली सरसों के दाने से, जिसको राई भी कहते हैं, राई से हवन करें। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या संतान तो है लेकिन संतान के जीवन में समस्याएं बहुत हैं, संतान संबंधी समस्याएं हैं, तो क्या करें, ऐसी स्थिति में माखन और मिश्री से हवन करिए। और अगर आप ग्रह शांति चाहते हैं तो काले तिल से हवन करिए। काले तिल से हवन करने से ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है। और अगर हर तरह का कल्याण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, सर्व कल्याण हो, तो हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काला तिल और जौ मिला करके, थोड़ा सा गाय के दूध का घी मिला करके, उस हवन सामग्री से अगर आप हवन करें तो सबका कल्याण होगा, सबका शुभ होगा।